अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टेली प्राइम की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में आप जानेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या हैं। इससे पहले वाली वीडियो में आपने जाना कि अकाउंट क्या है और अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि जब कोई ट्रांजैक्शन होता है तो सबसे पहले देखा जाता है कि ट्रांजैक्शन में प्रभावित होने वाले दोनों खाते कौन से हैं और किस प्रकार के हैं, और फिर कुछ नियमों के अनुसार जिन्हें गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, किस खाते को डेबिट और किस खाते को क्रेडिट करना है ये निर्णय करना होता है। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि खाते तीन प्रकार के होते हैं, तो आइए पहले इन तीनों टाइप के खातों के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिगत खातों के लिए नियम, यानी रूल्स फॉर पर्सनल अकाउंट्स। ये नियम है, पाने वाले को डेबिट करो, यानी डेबिट द रिसीवर, और देने वाले को क्रेडिट करो, यानी क्रेडिट द गिवर। वास्तविक खातों के लिए नियम है, जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो, मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, और जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो, यानी क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट्स यानी नाम मात्र के खातों के लिए नियम है, सभी खर्च एवं हानियों को डेबिट करो, मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और सभी आय और लाभों को क्रेडिट करो, यानी क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अभी जो हमने गोल्डन रूल्स बताए उनमें जो टर्म्स आई हैं, उसमें से इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। अब हम लॉसेस और गेन्स के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले देखते हैं हानि यानी लॉसेस क्या होते हैं। जब व्यय या खर्च मतलब एक्सपेंसेस राजस्व यानी रेवेन्यू से अधिक होते हैं तो व्यय का आधिक्य यानी ज्यादा खर्च हानि कहलाता है, जो पूंजी में वृद्धि की बजाय कमी करता है। इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमें रेवेन्यू के रूप में 10,000 रुपए प्राप्त हुए और इस रेवेन्यू को प्राप्त करने के लिए हमने 12,000 रुपए खर्च कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 2,000 रुपए की हानि हुई। पूंजी पर इसका प्रभाव ये होगा कि पहले हमारी पूंजी 1,00,000 रुपए थी, जो अब 2,000 रुपए घटकर 98,000 रह गई। अब लाभ क्या होता है ये समझ लेते हैं। जब राजस्व यानी रेवेन्यू व्यय यानी एक्सपेंसेस से अधिक होता है तो राजस्व की ये जो अधिकता है वो लाभ कहलाती है। ये एक प्रकार की मौद्रिक प्राप्ति है जो व्यवसाय के व्यवहार के फलस्वरूप प्राप्त होती है। जैसे हमें रेवेन्यू के रूप में 2,00,000 रुपए प्राप्त हुए और इस रेवेन्यू को प्राप्त करने के लिए हमने 1,50,000 रुपए खर्चा किए, तो इन दोनों का 50,000 रुपए का अंतर लाभ यानी प्रॉफिट कहलाएगा। पूंजी पर इसका प्रभाव यह होगा कि पहले हमारी पूंजी 1,00,000 रुपए थी, जो अब 50,000 रुपए बढ़कर 1,50,000 रुपए हो गई है। अब देखते हैं आमदनी यानी गेन्स क्या होते हैं। हमारे मुख्य व्यवसाय से प्राप्त होने वाले राजस्व को छोड़कर यदि कोई अन्य राजस्व प्राप्त होता है तो उसमें से मूल लागत कम करने के बाद जो बचता है वो गेन कहलाता है। जैसे हमारी कोई संपत्ति जिसका बही खातों में 8,000 रुपए मूल्य था, उसे हमने 10,000 रुपए में बेचा, यानी हमें 2,000 रुपए की प्राप्ति हुई। ये जो प्राप्ति है वो आमदनी यानी गेन कहलाएगी। तो यहाँ आपने देखा कि आमदनी में राजस्व में से केवल कॉस्ट घटाई जाती है, जबकि लाभ निकालने के लिए राजस्व में से मूल लागत के साथ अन्य खर्चे भी घटाए जाते हैं। अभी आपने इस वीडियो में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में जाना। इसके बाद वाली वीडियो में हम इन नियमों का उपयोग करना और मैनुअल अकाउंटिंग की प्रोसेस के अंतर्गत आने वाले जर्नल के बारे में बताएंगे।